हेलो, मैं आपका दोस्त विपिन सांगवान, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फेल बॉयज में। मैं करने जा रहा हूं पूरे इंडिया का टूर, वो भी ट्रैक्टर पर। तो आइए मैं दिखाता हूं कि हमने टूर के लिए क्या क्या तैयारी की है और हमने कौन सा ट्रैक्टर लिया है। तो सबसे पहले बात आती है ट्रैक्टर की, तो हमने महिंद्रा का 265 ट्रैक्टर लिया है। तो इसका नाम हमने रख दिया है गब्बर, ये देखिए। और इसके यहाँ पे महिंद्रा का जो स्टिकर था वो हमने निकाल दिया और यहाँ पे बैटमैन का स्टिकर लगाया है। और उसके बाद बात आती है कि हमने इसमें फाइबर हुड लगवा दी और नॉर्मल जो हुड होती है वो निकाल दी है, क्योंकि उससे सेफ्टी कम होती है और इसकी सेफ्टी ज़्यादा है और बारिश में ये हमें अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करेगा। और इसके चारों तरफ हमने पर्दे लगा दिए हैं ताकि हम बारिश से बच सकें और धूल मिट्टी से बच सकें। तो आइए मैं आपको इसके अंदर लेके चलता हूँ कि इसके अंदर हमने क्या क्या मॉडिफिकेशन करवाई है। जो छोटी मोटी मॉडिफिकेशन करवाई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले बात आती है सीट कवर की। अगर हम बैठने में कंफर्टेबल नहीं है तो सफ़र का मज़ा नहीं आएगा। तो हमने इसमें ये सीट कवर लगवा दिए हैं और जो साइड सीट होती है उनके लिए भी हमने गद्दियाँ बनवाई है ताकि उन पर भी कंफर्टेबल बैठा जा सके। और उसके बाद बात करते हैं म्यूजिक सिस्टम की। पाइनर का हमने म्यूजिक सिस्टम लगवा दिया इसके अंदर, साउंड बहुत ही अच्छा है, अब वो भी हम आपको सुनाएंगे। उसके बाद बात करते हैं बैटरी की। हमने एक एक्स्ट्रा बैटरी रख ली और इसमें इन्वर्टर रखा है ताकि हमारा लैपटॉप फ़ोन वगैरह चार्ज होता रहे और कैमरा वगैरह चार्ज हो जाए। सोने और खाने पीने का इंतज़ाम मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने इसके पीछे अलमारी फिट करवा ली है ऑल इंडिया टूर। तो इसके अंदर मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या क्या सामान है। सबसे पहले ये खाने का सामान आ गया और ये यहाँ पर हमारा राशन आ गया और ये बर्तन आ गए। हमने लोड के मुताबिक अपने बर्तन ले लिए हैं, बाकी जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो रास्ते में से ले लेंगे। आइए अब बात करते हैं सोने की। तो ये हमने कैंपिंग टेंट लिया है एक सोने के लिए और ये इसके ऊपर अटारक लगा दी है। इसके नीचे यहाँ पे खाना बनाया जा सकता है और बारिश आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए हमने ये अटारक लिया है, क्योंकि अटारक के नीचे खाना आसानी से बनाया जा सकता है, बारिश से बचा जा सकता है। और ये आ गई हमारी फोल्डेबल चेयर बैठने के लिए, आराम करने के लिए। और अब चलते हैं टेंट के अंदर, दिखाता हूँ मैं आपको क्या क्या रखा है हमने। तो सबसे पहले बात आती है कि सोने के लिए नीचे कुछ होना चाहिए। तो ये हमने योगा मैट ले लिया है, क्योंकि गद्दे तो ले जाए नहीं जा सकते क्योंकि वो फोल्ड नहीं होती, ये आसानी से फोल्ड हो जाती है। और ये हमने लिए हैं स्लीपिंग बैग सोने के लिए, क्योंकि ये हमें ज़्यादातर तो लेह लद्दाख में ही काम आएंगे, बाकी अब ठंड आ गई है तो हर जगह काम आएंगे। और ये इसमें पॉकेट भी लगी हुई है टेंट के अंदर कि हमारा छोटा मोटा सामान होता है वो इसके अंदर आ जाएगा। और ये पिल्लो है अपना, ये भी आसानी से अंदर आ जाता है क्योंकि इसमें से हवा निकाल दी जाए तो ये छोटा सा बन जाता है। फाइनली हमने सारा सेटअप आपको दिखा दिया कि हमने क्या क्या सामान साथ में कैरी किया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नेक्स्ट व्लॉग में बने रहना। तब तक के लिए अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहिए।